तेल भरते पीछे से। अच्छा, और ऐसे सीधे कर दो। तो भाई दोस्तों, आज आपको दिखाने वाले हैं जादुई बर्तन। तो हमारे साथ है राजू जी, ये बताएंगे इन जादुई बर्तनों के बारे में। तो बताइए जी, पहले कौन सा आइटम है? पहले आपको एक चिड़िया दिखाते हैं। अच्छा, चिड़िया जी। इसमें क्या जादू है? इसमें है जादू। क्या जादू? ये आवाज निकालती है। करके दिखाओ, कैसी आवाज? ये चिड़िया जैसी आवाज। चिड़िया जैसी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। ये पत्थर निकालेगा? हाँ, पत्थर नहीं है, मिट्टी है। मिट्टी? हाँ, मिट्टी। मिट्टी निकालेगी? बिल्कुल। चलो निकाल के दिखाओ, चलो निकाल के दिखाओ। ये देखो, इसमें भरता हूँ मैं पानी। अच्छा, इसके अंदर पानी आ गया। ये आ गया इसमें पानी। अच्छा, और अभी निकलेगी आवाज। अरे सही है, पानी भी निकल रहा है, पानी ज्यादा इसमें देखो। अरे सही है भाई, इसी वजह से तो ये जादुई चिड़िया कहलाती है। जादू चिड़िया कहलाती हाँ, है। चिड़िया बोल दो इसको। ठीक है। अच्छा, और क्या है? वो 50 रुपए प्राइस है। क्या 50 रुपए प्राइस? जी बिल्कुल। और ये क्या है? ये है कछुआ। कछुआ? ये पानी प्लास्टिक का है क्या? नहीं, मिट्टी का है, पानी पे तैरने वाला कछुआ। ये मिट्टी का? हाँ, मिट्टी का बना हुआ और पानी में तैर रहा है। बिल्कुल। ये कैसे? ये ऐसे ही है, जादू ही है, जादू है। इसमें क्या जादू है वैसे? ये पर घर में शुभ रहता है, पूजा में रखते हैं। नहीं, ये तैर रहा है, ये क्या कारण है? मिट्टी का होकर ये क्या हल्की चीज बनाते हैं हम, तोल मोल के बनाते हैं। अच्छा, इसीलिए आप रखते भाई। बिल्कुल ही हल्का। हाँ हाँ, सही है। ये तोल मोल, ये अभी वजन वाला, ये कछुआ रखने वाला, ये ऐसे पानी में डूब जाएगा। हाँ सही है, ये डूब गया और ये नहीं डूब रहा है ना, ये वजन के हिसाब से। ये वजन ज्यादा है तो डूब जाते, वो हम तोल मोल। और ये कछुआ भी मिट्टी का है? मिट्टी का, गिलेस किया। अच्छा, ये देखो, ये कच्चे के ऊपर हम ग्लेज करते। ये हिल कैसे रहा है अभी? ऐसे ही हिल रहा है, इसको हिलाने वाला बनाया गया, जैसे गाड़ी वगैरह होती है या घर पे कहीं पे रखते हैं तो इसको भी ऐसे हिलता है ना, तो थोड़ी आवाज आती है इनसे। अच्छा, ये बात है। और क्या आइटम आप दिखाओगे? और बहुत सारी है, देखो ना अलग अलग। और एक ये क्या है जो दीपक वाला? वो ये रहा, ये है ना, इसमें क्या करना पड़ता है बताना मेरे को आप। अच्छा, दीपक ही है? हाँ, दीपक ही। ऐसे तेल भरते पीछे से। अच्छा, और ऐसे सीधे कर दो। अच्छा, अरे यहाँ रुई की बत्ती। पानी कहाँ पे गया? इसके अंदर ही। इसके अंदर है पानी, बाहर क्यों नहीं निकल रहा? अभी ये निकालना तो। बाहर कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा है भाई, कमाल की चीज है। और ये क्या चीज है? ये है बोतल। प्लास्टिक की है? नहीं, मिट्टी की बोतल है। और इसके ऊपर जो ढक्का है वो प्लास्टिक का लगा हुआ है। और इसमें अगर एक बार पानी डाल देते हैं तो उसके बाद में पानी है वो गर्म नहीं होता है, बिल्कुल ठंडा रहता है पानी। ये इसकी खास बात है। इस बोतल को है ना, वैसे देखते हैं ना तो ये प्लास्टिक की लगती है ना। देखो पेंटिंग, देखो कितनी गजब की है। यही तो बात है। और ये कप वगैरह हो गए, ये भी मिट्टी के है ना? मिट्टी के बने हुए कप है ये भी। जैसे इनको देखते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मिट्टी के बने। हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक के। और ये हाथ से बना हुआ है, जितने भी जो आइटम है हाथ से बनाए हुए। हाथ से बनाए हुए सारे के सारे। ये जो आप देख रहे हैं गोल चक्कर, इसके ऊपर बनाते हैं। अच्छा, ये बात है। और क्या आइटम है? काफी सारे आइटम है यहाँ पे, सुबह से लेकर शाम तक है। ये आइटम सजावट के लिए है घर में। ये भी मिट्टी का है, ये झूमर है, ये मिट्टी के बने हुए झूमर है। ये देखने में ऐसे लग रहे हैं कि प्लास्टिक के ना। देखो देवी देवताओं की यहाँ पर ये छोटी छोटी मूर्तियाँ बना रखी है। ये देखो, ठीक है, ये सब मिट्टी की बनी हुई है। ये देखो सब मिट्टी की बनी हुई है। और ये तवा देखो भाई, ये तवा भी मिट्टी का है, ये भी मिट्टी का है। ये कितने का टाइम खराब नहीं होता तवा? ये कैसे सालों तक जैसे फूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं तब तक चलेगा ना। ये देखो छोटी सी झोपड़ी है। सही है। ये पर घर पे इस प्रकार के बहुत सारे आइटम है यहाँ पे। ये देखो इस साइड में भी आप देख सकते हैं। ये देखो, अरे ये क्या है? घंटी वगैरह सी लग रही है ना। ये झूमर ही है, मान के चलो सजावट के लिए यूज में लिया जाता है घरों की। काफी सारे आइटम है, बहुत सारे आइटम है। और ये देखो भाई, गणेश जी की मूर्ति। और काफ़ी सारे आइटम हैं, सबका अलग अलग प्राइस रहता है। तो भाई दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।